तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष योर सीएससी गाइडर पर। दोस्तों हम बात करते हैं आपके एचएसएससी के हरियाणा के जो कांस्टेबल का जो आपका एडमिट कार्ड है उसके बारे में। उसका लिंक आ चुका है साइट पर, मैं आपको बताऊंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। देखो दोस्तों, एडमिट कार्ड इसके पहले भी आए थे, एग्ज़ाम भी हुआ था, लेकिन पहले एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था लीक होने की वजह से। तो ये एडमिट कार्ड अब दोबारा इशू हुए हैं। इनका जो एग्ज़ाम है वो है आपको 28 तारीख को, 29 तारीख को और 31 तारीख को। आपका 30 तारीख को एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि 30 तारीख को इलेक्शन है। तो हम इस बारे में बात करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ये साइट का लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके सीधा इस पेज पर आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा मेल कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड, और यहाँ पर है क्लिक हेयर और अवेलेबल सून टुडे। मतलब ये एडमिट कार्ड आपके कभी भी आ सकते हैं। जैसे इसके एडमिट कार्ड आते हैं मैं आपको उसका नोटिफिकेशन दे दूंगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे इसके एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपकी एक वीडियो डाल दूंगा या नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको इस ऑफिशियल पेज पर आ जाना है, साइट पर आ जाना है। यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास अपना आईडी पासवर्ड नहीं है यार, आप भूल गए हैं, तो आप फॉरगेट करके अपना आईडी पासवर्ड कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं उसको। आप चाहे तो लॉगिन आईडी से भी अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, चाहे तो आप जो फ़ोन नंबर आपने फॉर्म में दिया था वो उस फ़ोन नंबर से भी आप अपना आईडी पासवर्ड दोबारा से ले सकते हैं। आईडी पासवर्ड आपके पास आ चुका है, अब आपको करना है लॉगिन। लॉगिन के लिए यहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद साइन इन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ सामने आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा एडमिट कार्ड। यहाँ पर एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं हुए हैं, अभी नहीं आए हैं एडमिट कार्ड। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आते हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड शो कर देगा। आपको सिंपली उस पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको एडमिट वो रख लेना है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।